दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय एडिफाई स्कूल छतरपुर, थिंक बियॉन्ड। सागर जिले की देवरी तहसील में देवरी और केसली के अस्पतालों और कोविड सेंटर में इलाज में व्यवस्थाएं न होने की समस्या बनी हुई है। साथ ही देवरी में प्रशासनिक अमले की कमी, अस्पतालों में डॉक्टर और नर्स की कमी भी बनी है। सागर जिले में प्रदेश के 3 कैबिनेट मंत्री और 1 केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन पूरे जिले के साथ देवरी में इतनी समस्याएं बनी हुई हैं। इन सभी मंत्रियों का ध्यान देवरी की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि वहां कांग्रेस विधायक है, इसलिए मंत्रीगण या सरकार कुछ व्यवस्था नहीं कर रहे, जिसको देख क्षेत्रीय विधायक ने अपने क्षेत्र की जनता का दुख देखकर इलाज में आ रही बड़ी समस्या को गंभीरता से लेकर विधायक निधि से 80 लाख रुपए की राशि कोरोना महामारी से क्षेत्र की जनता के इलाज के लिए दी, जिसमें 10 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए, 20 लाख देवरी और केसली अस्पतालों और दोनों कोविड सेंटर में इलाज और उपचार के लिए दवाइयां व अन्य सामग्री के लिए दी। इसके साथ ही ऑक्सीजन की समस्या को देख देवरी और केसली सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 50 लाख की राशि दी है। इसी के साथ उन्होंने देवरी केसली के समस्त ग्राम और नगर में सैनिटाइज कराने संबंधित निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि यह कार्य शीघ्र प्रारंभ हो सके, जिससे क्षेत्र की जनता की कोरोना से सुरक्षा हो। जिस हिसाब से संक्रमण के रूप में आपदा हमारे विधानसभा क्षेत्र में आई है, बेहद कठिन दौर है, और मैंने एक संकल्प लिया है और लंबे समय से मैं इसमें काम भी कर रहा हूँ। देवरी की जनता जनार्दन को जो मैंने वचन दिया था कि अंतिम सांस तक, शरीर के अधिकतम खून की बूंद तक जनता की सेवा करूँगा, तो मैं निश्चित रूप से ऐसे संक्रमण काल में मेरा दायित्व है और इस दायित्व को पूरा करने का मैंने प्रयास किया है। एक छोटा सा प्रयास है, निश्चित रूप से चाहे ऑक्सीजन प्लांट की बात हो, चाहे जिसकी इंजेक्शन की सबसे ज़्यादा मांग पूरे प्रदेश में है और देश में है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की, ये सब मांगों के लिए मैंने 80 लाख रुपए की राशि दी है। मैंने तो ये भी संकल्प लिया है, यदि राशि की कमी और भी पड़ेगी तो और भी राशि इस कोविड की महामारी से जूझने के लिए, इससे हमारे क्षेत्र को निकालने के लिए, विधानसभा क्षेत्र को निकालने के लिए मैं लगातार राशि की कोई कमी आने नहीं दूंगा। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा काम है। जिस तरह से संक्रमण शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रहा है, तो मैंने आज CMO को, उसके पूर्व में जनपद दोनों CEO को भी निर्देशित किया है कि सैनिटाइजर का काम पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाए, गाँवों में साफ सफाई हो, और जो अप्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनको चिन्हित करके उनको क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की जाए। इसमें दोनों जनपद में और नगर पालिका क्षेत्र में प्रयास शुरू हुए हैं, और निश्चित रूप से जिस हिसाब से सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है, मास्क बांटने का काम हो रहा है, इससे मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र में इस कोविड जैसी महामारी से हमें निजात मिलेगी। Now stop that and eat your breakfast. अरे अरे, रिलैक्स डैड, ये बटर स्टिक है, मैंने बनाई है ताकि नाइफ यूज ना करना पड़े। एडिफाई स्कूल छतरपुर, एडमिशन ओपन नर्सरी टू ग्रेड 9th। कॉन्टेक्ट अस 9399496249। एडिफाई स्कूल, ब्लेड चौका, सागर रोड, छतरपुर।